हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और यह वीडियो यम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सीरीज का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो हम सीखेंगे यम सर्वर को कॉन्फ़िगर करना। लास्ट वीडियो हमने यम सर्वर का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि यम सर्वर का यूज क्या है, यम सर्वर का एडवांटेज क्या है, क्यों यम सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, इस वीडियो हम यम सर्वर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो ये हमारी लैब है जिसमें हम यम सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और ये मशीन एज ए यम सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इस मशीन को एज ए यम सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इस मशीन का आईपी कॉन्फ़िगरेशन है 172.18.209.9, सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ठीक है, और इस मशीन का होस्ट नेम है srv.mysolutions.com। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम होस्ट नेम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा होस्ट नेम है इस मशीन का, sri.mysolutions.com। और आईपी कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस मशीन का आईपी कॉन्फ़िगरेशन है 172.18.209.9। ठीक है, ये इस मशीन का आईपी कॉन्फ़िगरेशन है। इस मशीन को हम एज ए यम सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और ये सभी मशीन यम क्लाइंट होंगे। और यम सर्वर को हम एफटीपी सर्वर के साथ में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ताकि ये क्लाइंट यम सर्वर से एफटीपी सर्वर के थ्रू पैकेज डाउनलोड कर सकें। ठीक है, आप एचटीटीपी के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी मैं एफटीपी सर्वर के थ्रू इन क्लाइंट मशीन पर पैकेज डाउनलोड करना चाहता हूं, इसलिए मैं यम सर्वर को एफटीपी सर्वर के साथ में कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि VSFTPD का पैकेज आपके पीसी में इंस्टॉल किया नहीं। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है rpm -qa grep VSFTPD। तो देखिए, इस मशीन में VSFTPD का पैकेज इंस्टॉल है। अगर आपके मशीन में VSFTPD का पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना है। और ये पैकेज आपको मिलेगा आपकी RHEL 7 की जो इंस्टॉलेशन मीडिया है DVD, उसके अंदर पैकेज नाम की एक डायरेक्टरी होगी और उसमें ये पैकेज आपको मिल जाएगा और वहां से आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपकी जो इंस्टॉलेशन मीडिया है DVD है, उसको इंसर्ट कीजिए आपके PC में और उसको अपने सिस्टम में माउंट कर दीजिए। ठीक है, ये माउंट हो गया। उसके बाद में हमने MNT में माउंट करवाया है CD-ROM DVD को। ठीक है, और तो MNT में मूव कीजिए LS-L। तो देखिए, यहाँ पर एक आपको पैकेज दिखाई, एक डायरेक्टरी दिखाई दे रही है पैकेज। इसमें रेड हैट लिनक्स 7 के सभी पैकेज इस डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें जाइए पैकेज और फिर क्लियर, और यहाँ से आपको कमांड एग्जीक्यूट करना rpm -qa VSFTPD। ठीक है, आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, पैकेज इंस्टॉल हो, सॉरी हमने गलत कमांड लिखा है। इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना rpm -ivh VSFTPD। ठीक है, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये बता रहा है पैकेज VSFTPD इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो हमने चेक किया था, पहले से पैकेज इंस्टॉल था। अब हम चेक करते हैं rpm -qf /var /ftp pub। ठीक है, तो जब भी हम VSFTPD पैकेज इंस्टॉल करते हैं तब ये VSFTPD पैकेज एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है var ftp pub के अंदर। ठीक है, ये डायरेक्टरी ये पैकेज क्रिएट करता है। ठीक है, अब उसके बाद CD माउंट हो गया। उसके बाद आपको करना है cd /var ftp pub, इसके अंदर आपको मूव करना है और यहाँ पर आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। किसी भी नाम से आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ माई सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपका जो इंस्टॉलेशन मीडिया था DVD रेड हैट लिनक्स 7 का, उसका सारा डेटा वो पूरी यहाँ पर आपको कॉपी करनी है माई सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है cp -rvf, इसके बाद MNT में हमने माउंट किया इसलिए हम MNT के थ्रू कॉपी कर रहे हैं। कहाँ पे कॉपी करना है? /var ftp pub, उसके अंदर माय सॉल्यूशंस, ये कॉपी हो रहा है।
तो चलिए, हमारा डीवीडी का डेटा कॉपी हो चुका है /var/ftp/pub/mysolutions के अंदर। क्लियर कीजिए और चेक कर लीजिए ls-l cd mysolutions ls-l। तो देखिए, पूरी डीवीडी यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। उसके बाद में सीडी पैकेज, और यहाँ से आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है, rpm-ivh-create-repo। तो बता रहा है कि क्रिएट रेपो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद में यहाँ पर एक डायरेक्टरी है रेपो डेटा, ठीक है, जिसमें हर एक पैकेज की इंफॉर्मेशन होती है इस डायरेक्टरी में, ठीक है। तो अगर आपके पास रेपो डेटा, अगर आपको आपके ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो आपको रेपो डेटा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी रेपोजिटरी क्रिएटेड नहीं है, तो आपको सबसे पहले आपके पैकेज की रेपोजिटरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। रेपोजिटरी क्रिएट करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है create repo -v /var/ftp/pub/mysolutions। तो चलिए, रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद में इसके आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है यम सर्वर की। तो उसके लिए हम चले जाते हैं डायरेक्टरी cd /etcyum.repos.t। इसके अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको ऑलरेडी एक फाइल मिलेगी, package-kit-media.repo। या तो इस फाइल को रिनेम कर दीजिए या फिर इस फाइल को रिमूव कर दीजिए। तो मैं इस फाइल को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो फाइल रिमूव हो चुकी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, vim/server.repo। पीछे एक्सटेंशन .repo होना चाहिए, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद vim से हम इस फाइल को एडिट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको आई प्रेस करनी है इंसर्ट मोड पर जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना सर्वर, यस की आईडी, और उसके बाद नेम यम सर्वर, और उसके बाद बेस यूआरएल आपको देना है ftp:172. जो भी आपके मशीन का आईपी एड्रेस है यम सर्वर का, 8.209.9/pub। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर पाथ गलत हुआ तो आपका यम सर्वर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा mysolutions/. तो सबसे इजी तरीका है, आप फायरफॉक्स ओपन कीजिए, ब्राउजर ओपन कीजिए कोई भी, और यहां पर वो पाथ लिख दीजिए ftp:172.18.209.9। तो देखिए यहां पर ओपन है, ठीक है। तो अब ओपन कीजिए डायरेक्टली mysolutions, ठीक है, और यहां से पाथ आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, वो सबसे इजी है। कॉपी, इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना पाथ, ठीक है। पाथ पेस्ट हो गया। उसके बाद में जीपीजी चेक इनेबल्ड =1 और जीपीजी चेक =0, ठीक है। जीपीजी चेक को हम डिसेबल करना चाहते हैं, इसलिए 0। उसके बाद इस फाइल को सेव करने के लिए एस्केप प्रेस कीजिए, फिर :wq:wq!! फाइल सेव हो चुकी है, इसका कंटेंट चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद में आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है, vsftpd के सर्विस को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। तो सिस्टम रेडेट लिनक्स 7 में सर्विस रिस्टार्ट करने के लिए कमांड यूज होता है सिस्टम ctl space
restart space service name vsftpd.service. उसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए vsftpd.service. तो देखिए यहाँ पर बता रहा है एक्टिव रनिंग. ठीक है, किसी भी सर्विस का आपको स्टेटस चेक करने के लिए ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, सिस्टम सीटीएन स्पेस स्टेटस स्पेस सर्विस नेम डॉट सर्विस. ठीक है, उसके बाद में जैसे हम रेड हैट नेक्स्ट 6 में या 5 में हम किसी भी सर्विस को परमानेंट ऑन करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं सीएसके कॉन्फिग. ठीक है, तो यहाँ पर हम बूट टाइम ऑन करने के लिए कमांड यूज करेंगे सिस्टम सीटीएल स्पेस इनेबल स्पेस सर्विस नेम vsftpd.service. ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है बूट टाइम ऑन करने के लिए. जैसे प्रीवियस ओल्डर वर्जन में हम यूज करते थे csk config. ठीक है, कमांड हम यूज करते थे, इसमें आपको ये कमांड यूज करना है. ठीक है, उसमें हम कमांड यूज करते हैं csk config space service name फिर ऑन और ऑफ. ठीक है, इसमें आपको ये यूज करना है सिस्टम सीटीएन स्पेस इनेबल स्पेस सर्विस नेम डॉट सर्विस. ठीक है, उसके बाद में यम का जितना केस है वो क्लीन कर दीजिए, यम क्लीन ऑल. ठीक है, उसके बाद में यम स्टोर सांबा स्टार. ठीक है, उसके बाद में इसको पैकेज मिले. देखिए तीन पैकेज इसको मिले हैं और चार डिपेंडेंट पैकेज मिले हैं, टोटल 7 पैकेज इसको इंस्टॉल करने हैं. ठीक है, तो ये तीन पैकेज सांबा हाइफन पाइथन सांबा हाइफन विनबाइंड सांबा हाइफन विनबाइंड हाइफन मॉड्यूल्स और चार पैकेज इसको जो डिपेंडेंसी वो ये मिली है. ठीक है, तो टोटल ये 7 पैकेज इंस्टॉल करेगा. अभी कह रहा है इंस्टॉल टोटल डाउनलोड साइज 2.5 MB और इंस्टॉल साइज 12 MB. इज दिस ओके? अगर आप ओके हैं तो यस कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए. तो देखिए डाउनलोड किया इसने पैकेज और उसके बाद में अब ये इंस्टॉल कर रहा है. ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है, अब ये इंस्टॉल कर रहा है. तो देखिए पहले इसने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की और उसके बाद में सांबा के पैकेज इंस्टॉल किए. ठीक है, तो देखिए ये पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं सांबा के. उसके बाद में आप चेक कर लीजिए rpm-qa grep sambastar. देख लीजिए सांबा के पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं. तो इस वीडियो हमने सीखा कि यम सर्वर कॉन्फिगर कैसे करते हैं. नेक्स्ट वीडियो हम यम सर्वर का क्लाइंट कैसे कॉन्फिगर करते हैं, यानी यम क्लाइंट कॉन्फिगर करना सीखेंगे. तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.